వచ్చేసు a माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको फाइंड करेंगे आप। नंबर तीन आपने फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स। ये तीन चीजें आपने क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ पे एक्स की लिमिट क्या होगी, ए पे पॉजिटिव साइन होगा। ये तीन चीजें आपने क्या करनी है, क्वांटिटी में फाइंड करनी है। आप पहले इसको फाइंड करेंगे जो आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, उसके बाद आपने क्या फाइंड करनी है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पे जो भी x अप्रोच करेगा, जो आपके पास x की वैल्यू होगी उसमें नेगेटिव साइन है। अब नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेस देन फंक्शन, जो लेस होता है फंक्शन, इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी ऊपर एडिशन का साइन है, मीन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है इस वैल्यू से। अगर इनके तीनों के आंसर सेम आ जाते हैं आपके पास तो कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी, जो कि मैं अपने कुछ लास्ट लेक्चर में इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम इन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट में फर्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, सेट फंक्शन, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है एट एक्स इक्वल टू टू के। तो पहले फाइंड करेंगे हम सेट फंक्शन, सेट फंक्शन एट एक्स इक्वल टू टू। देखिए जब आप यहां पे वैल्यू देंगे इसका मतलब होता है कि एग्जैक्टली इक्वल टू टू, आपने फंक्शन ऐसा सेलेक्ट करना है जिसमें इक्वलिटी का साइन होगा, ओके। तो अब देखिए यहां पे इसमें देखिए तो इसमें वो दो फंक्शन आ रहे हैं आपके पास, एक लेस देन वाला और दूसरा इक्वल वाला, इसको तो यूज ही नहीं कर सकते यहाँ पे, ये ग्रेटर देन टू। तो इट्स मीन कि कौन सा फंक्शन आएगा, फर्स्ट फंक्शन आएगा टू। यहाँ पे x की वैल्यू जो केस करनी है 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ओके। इसी तरह फिर आपने क्या करना है, इसकी लेंगे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट f of x x अप्रोचेस टू टू नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू टू नेगेटिव। अब देखिए इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट होगे तो जो x की वैल्यू आपके पास होगी जिस पे कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है उस पे नेगेटिव साइन आएगा। अब नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि फंक्शन आपने ऐसा सेलेक्ट करना है जो लेस देन 2 होगा, ठीक है। तो यहां पे आज अगेन ये फंक्शन नहीं यूज कर सकते, वो ग्रेटर देन है यहां पे, तो इसमें वो दो फंक्शन अगेन देखें x लेस देन 2, इट्स मीन कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन यूज करेंगे। तो इधर आ जाएगा प्लस 2x और प्लस 5। अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं 2 5, ये आपके पास क्या आ गया 9। सेम इसी तरह आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस टू टू पॉजिटिव, लिमिट x approaches to 2 positive। अब देखिए यहाँ पे इस अगर राइट हैंड लिमिट होंगे तो ऊपर पॉजिटिव साइन, मीन की इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। अब कितना इंक्रीज कर रहा है उसका हमें नहीं पता, लेकिन इट्स मीन कि फंक्शन जो भी आप लेंगे ऐसा फंक्शन लेंगे जो 2 से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आ रहा है तो ये इसमें दिए गए x is to greater than 2, इट्स मीन कि आप फर्स्ट फंक्शन लोगे यहाँ, ठीक है। तो इधर आपके पास आ जाएगा 4x और प्लस 1, ये आप लिमिट यूज करें यहाँ पे 4 2 1 8 और ये 9। आप देखें यहाँ पे एक f of x, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट, तीनों के आंसर सेम आए आपके पास। अगर तीनों के आंसर सेम आपके पास आए तो इट्स मीन कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन आपका, ओके। बिल्कुल सेम इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल है 1, ठीक है। चलिए फर्स्ट एफ ऑफ 1 की तरफ आप जाएं, इट्स मीन कि एक्सेप्ट
ये है एक्सेप्ट इक्वल टू कौन सा फंक्शन आ जाएगा इक्वल टू 4 यहां पे 4 आ जाएगा अब आगे लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट f of x x approaches to 1 minus अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है इसके ऊपर नेगेटिव है इट्स मीन कि आपने ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना है जो लेस देन 1 होगा हमेशा याद रखें कि जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी जो इसमें फंक्शन आपने लेना होगा वो लेस देन वाली लेना हमेशा तो अब देखें इसमें ये है x इज लेस देन 1 इट्स मीन कि कौन सा फंक्शन आएगा फर्स्ट फंक्शन तो यहां पे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1 ये चीज आप लिमिट प्लेस करेंगे आप 3 1 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2 इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट के लिए भी राइट हैंड लिमिट f of x x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव आप देखें राइट हैंड लिमिट ये दो बातें ध्यान में रखनी है अगर आपके पास एग्जैक्ट फंक्शन आएगा तो इक्वल वाली वैल्यू में अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है हमेशा आपने लेस देन वाला फंक्शन लेना अगर राइट हैंड लिमिट है तो ग्रेटर देन मतलब जस्ट इसमें आपने पार्टी को ये दो चीजें दी थी ठीक है तो आप देखें यहां पे आपके पास पॉजिटिव साइन है मान के इट्स मीन कि इंक्रीज कर ग्रेटर देन 1 ये x से ग्रेटर देन 1 इट्स मीन आप लास्ट फंक्शन हो गए 2x ये आ जाएगा आपके पास इधर आ गया 2 into 1 2 तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास इनके आंसर सेम नहीं आए f of x इक्वल नहीं है इट्स मीन कि ये फंक्शन जो आपके पास वो डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है ओके चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब देखिए यहां पे at x equal है आप कंटिन्यूटी चेक करोगे 2 पे एंड x equal है minus 2 देखिए वो पेपर में आप ये पसंद जस्ट ये कह सकते हैं डिस्कस कर कंटिन्यूटी कि कंटिन्यूटी को डिस्कस करें वो x की वैल्यू आपको नहीं देता अब ये भी पॉसिबिलिटी है तो सपोज करें अगर आपको x की वैल्यू नहीं देता कि भाई कहां पे आपने कंटिन्यूटी को चेक करना है तो फिर देखें अगर इंक्रीज आ गई है इसमें तो जो वैल्यू डायगनल में रिपीट हो रही है वो आपके एक्स हो गई जो डायगनल में आपके पास हो गई वहां भी आप एक आपको चेक करते हैं अगर इंक्रीज ये इस तरह से नहीं है तो फिर तो एक ही वैल्यू यूज हो रही है फिर तो आप उसी को यूज करोगे लेकिन अगर इस तरह से रिपीट हो रही है तो डायगनल में जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपके क्या होते हैं एक्स तो पेपर में ध्यान में रखना है वो जस्ट आपको ये भी कह सकते हैं कि डिस्कस कर आगे जस्ट ये किया तो आपने दोनों पे कंटिन्यूटी को चेक करना है अब यहां पे आपने क्या करना है कि दोनों के ऊपर कंटिन्यूटी का करेंगे चेक करेंगे आप चलें हम करते हैं पहले इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम एट एक्स इक्वल है 2 पे तो पहले हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट बना लेते हैं इसको फर्स्ट पार्ट एट x equal to 2 पहले एग्जैक्ट फंक्शन की f of 2 एक्सेक्टली इक्वल टू ऐसा फंक्शन हम लेंगे जिसमें 2 को और इक्वल का साइन तो ये देख लें यहां पे इक्वल का साइन आ रहा है ये
इट्स मीन ये कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, इसको इग्नोर करें फिर माना आप इस चीज को देखें कि आपको चाहिए x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 के अगेंस्ट आपके पास ये फंक्शन, तो इट्स मीन कि आप इसको यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस 1, आप यहां पे लिमिट लगा दें 2 इसका स्क्वायर माइनस 1 4 और 3। अब राइट हैंड लिमिट की तरफ चलेंगे हम, राइट हैंड लिमिट f of x, x approaches to 2 positive limit, x approaches to 2 positive। अब देखिए यहां पे एक कौन सा फंक्शन आएगा, अगेन हमेशा मैं बताया कि राइट हैंड लिमिट में दो फंक्शन आपने सिलेक्ट करने हैं जो ग्रेटर देन होगा। अब देखें x is greater than 2, क्या फंक्शन है वो 3, विदर आप क्या लिखिए होगा 3। तो ये अब देखें कितने आंसर है वो सेम आए आपके पास 3 3 3, इट्स मीन के फंक्शन कंटीन्यूअस है, एक आंसर ये आ गया। अगर अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट अगर हम इसको लें, तो x इक्वल है माइनस 2, अब इसमें कंटीन्यूटी चेक करेंगे माइनस 2 के, तो आपके पास क्या आएगा, पहले एग्जैक्ट फंक्शन अगेन f ऑफ माइनस 2, अब आपकी माइनस 2 वाले फंक्शन यूज होंगे, आप देखिए एक इसमें माइनस 2 आ रहा है एक इसमें माइनस 2 आ रहा है, इट्स मीन कि ये दो फंक्शन आपके यूज होंगे। तो एग्जैक्ट फंक्शन के लिए इक्वलिटी का साइन ये देख लीजिए, इक्वलिटी का साइन है x इज इक्वल टू माइनस 2, इट्स मीन फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा आपके पास 3 x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 माइनस 6, लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, x approaches to minus 2 minus limit x approaches to minus 2 minus, अब अगेन वो लेस देन वाला फंक्शन, अगेन फर्स्ट फंक्शन देखें x इज लेस देन माइनस 2, इट्स मीन कि आप अगेन यही फर्स्ट फंक्शन यूज करोगे, तो ये आपके पास क्या है वो 3x, तो आपके पास क्या आ गया वो 3 minus 2 minus 6, राइट हैंड लिमिट सेम नहीं है, राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आई आपके पास, तो इसलिए अब ये फंक्शन